ओके सी दिस इज द क्वेश्चन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है ना बेटा, इसको अच्छे से समझिएगा. आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की आपने वेलोसिटी दी है और उस वेलोसिटी के साथ आपने इसको प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से. ठीक है, तो जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया, आपने इसको किया है प्रोजेक्ट एट एन एंगल ऑफ 37. सो दिस इज द कंडीशन कि अगर आप यहां से बॉल ले रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी है 37 डिग्री पे आपने प्रोजेक्ट किया, यू आर प्रोजेक्टिंग इट लाइक दिस वे. ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम के बाद इनिशियल वेलोसिटी यानी ये वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी को. इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी वेलोसिटी को. ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर जब ये पहुंचा तो वेलोसिटी ऐसी थी, है ना, तो मान लेते हैं कि इस टाइम पे ये परपेंडिकुलर हुआ. ठीक है, तो चलिए बेटा, लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन किया था, टाइम आफ्टर विच इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. कितने टाइम के बाद इनिशियल वेलोसिटी और वो वाली वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी, वो हमने लास्ट क्लास में किया था, टी इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा. दिस इज द टाइम. तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे ना, यू आपका आएगा 10, इट विल बी डिवाइडेड बाई 10 साइन ऑफ 37 थीटा, है ना 37. तो टाइम दैट इज यू इज 10 और 10 कैंसल, 1 डिवाइडेड बाई दिस विल बी साइन 37, दैट इज 3/5, 5/3, दैट इज 1.66. इतने टाइम के बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है, बट मुझे बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा यहाँ पे. ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जरा देखो, इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप देखेंगे ना, दैट इज इक्वल टू 2u sin θ/g. This is the total time of flight. ठीक है, ये total time of flight. तो बताओ 2u की जगह 10 sin of 37 divided by g, that is 10. तो total time of flight जब आप calculate करोगे, 10 और 10 cancel, 2 into sin 37, that is 3/5. Okay, that's 6/5. That is 1.2 second. See, this is interesting. कह रहा है कि total time of flight मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल की मोशन 1.2 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 1.66 सेकंड के बाद, 1.66 सेकंड के बाद जो है ना वो परपेंडिकुलर हो जाएगी. विच मीन्स दैट कि अगर ये कंडीशन यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 1.66 सेकंड के बाद परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, तब तक प्रोजेक्टाइल की मोशन खत्म भी हो चुकी होगी. ठीक है, तो सच ए स्टेट हम क्या कहेंगे कि सच ए स्टेट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये स्टेट जो है ना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक ये टाइम आएगा तब तक तो पूरी की पूरी मोशन खत्म हो चुकी होगी, तब तक पूरी की पूरी मोशन डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी. ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो बेटा. ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उस पे जाते हैं. दिस वन वाज सिंपल, नाउ लेट अस ट्राई टू मूव ऑन सम अदर क्वेश्चन. ओके, नाउ दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन. सी व्हाट इट सेज, इट सेज दैट कि देयर इज अ बॉल व्हिच इज फायर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम एन इंक्लाइनेड प्लेन. ठीक है ना, एक बॉल है जिसको हमने एक इंक्लाइनेड प्लेन से दूसरे इंक्लाइनेड प्लेन पे फेंका है. ठीक है, इंक्लाइनेड प्लेन से हमने उसको दूसरे इंक्लाइनेड प्लेन पे फेंका है, एज शोन, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, मतलब पॉइंट ए से स्टार्ट किया है और सीधा पॉइंट बी तक हमने इसको भेजा लगाया हुआ है. ठीक है ना, ए से स्टार्ट करके सीधा वो प्लेन पर इस दूसरे प्लेन पे गिरा है, पॉइंट बी पे. शाबाश. इफ इट ऑल्सो स्ट्राइक द सेकेंड प्लेन परपेंडिकुलर, क्वेश्चन है कि अगर इस बॉल ने सेकंड प्लेन को भी हिट किया है एट 90 डिग्री एंगल, मतलब सेकंड प्लेन को तो हिट किया है लेकिन मान के मैं चल रहा हूं कि सेकंड प्लेन को भी इसने हिट किया है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, परपेंडिकुलरली हिट किया है,
तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीजें आपको निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, सब कुछ सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसमें देखो करेंगे कैसे, सी इसमें देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है, दिया गया है टेन रूट थ्री, इजंट दैट, और फाइनल वेलोसिटी की तरफ ध्यान दो आप, फाइनल वेलोसिटी कहाँ होगी, यहाँ पे है ना, लेकिन ये क्या कह रहा क्वेश्चन वाला कि इसने स्ट्राइक किया परपेंडिकुलर, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी लाइक दिस वी, है ना। तो जरा सोचो यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी इस वाली डायरेक्शन में है यू, फाइनल वेलोसिटी ऐसे करके है वी, दिख रहा है ना। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मींस इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये हमने पढ़ा है कि ये कंडीशन कितने टाइम के बाद अचीव होती है, अभी हमने किया है इसको u डिवाइडेड बाय g sin थीटा, मतलब इतने टाइम के बाद इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है ना, तो मुझे बता u क्या है यहाँ पे, दैट्स 10 रूट 3 डिवाइडेड बाय g जो है दैट इज 10। अब मसला खाली बचता है इस एंगल का कि किस एंगल पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, मतलब इनिशियली कौन सा एंगल यहाँ पे है। ठीक है, मुझे बोलो ये वाला एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये वाला जो पूरा एंगल यहाँ पे है, ये वाला एंगल सीधा दिख रहा है, इट इज 90 डिग्री। ठीक है ना, 90 डिग्री हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक, 10 और 10 कैंसिल, दैट इज रूट 3, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज रूट 3 इज 1.7 सेकंड्स। ठीक है ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 1.7 सेकंड्स। ठीक है ना, 1.7 सेकंड्स। ठीक है, दैट इज प्रीटी सिंपल। ओके, देन इट इज सिंपल कि आपको वेलोसिटी निकालनी है इस टाइम के बाद, वी आपको पता है, दैट इज सिंपली दैट फार्मूला u sin theta, u cos theta, if you remember that, minus g square t square sin square theta x square theta, ठीक है ना, I guess you remember that, because I don't, आपको वो formula जो है, वो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, वो formula हमने derive भी किया है, ठीक है, तो if you remember that formula, that is u square, okay, let me write, that is something like this way, that is u square plus g square t square, okay, minus 2ugt sin of theta, ठीक है, तो उस फॉर्मूला से आपको वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, और रही बात लास्ट पे डिस्प्लेसमेंट ए बी की, डिस्प्लेसमेंट ए बी क्या है, ट्राइजेक्ट्री है ना, इट्स फुली ट्राइजेक्ट्री, ट्राइजेक्ट्री को आप निकाल लो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी तक क्या होगा, ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेटेड इजिली। ओके, सो दिस वन वाज fundamental question which was based on this perpendicular concept. Okay, now this one, another question, see what is this, a batsman hits sixer in a Wankhede stadium, on which step ball will strike. मान लीजिए यहाँ पे एक batsman खड़ा है और उसने इस ball को hit किया at an angle of 53 degree, 20 meter per second की speed से इसने hit किया, तो चलिए ये बॉल जो है ना इस तरह से उठकर ऐसे किसी एक, ऐसे करके ना किसी एक स्टेप के ऊपर गिर गई यहाँ पे। ठीक है, दीज आर स्टेप्स हियर, यहाँ पे ये बॉल पहुंची। ठीक है, तो आपको बोलना है कि ये कौन सा स्टेप होगा, ऑन विच स्टेप द बॉल विल लैंड, कौन सा स्टेप होगा जहां पे बॉल लैंड करेगी। ठीक, देखो बेटा इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, वी हैव ट्राइजेक्टरी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा है ये इक्वेशन। तो वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए टेन यहाँ पे थीटा है ना 53, तो यू कैन से टेन 53 माइनस जी एंड देन वी हैव एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू देन वी हैव अ यू स्क्वायर, यू इज 20 हियर, 20 यू इज 20 and then a cos square theta, theta is 53 degree. Okay, so you can say y is equal to 4x by 3, क्योंकि tan 53 कितना होता है, tan 53 होता है ना 4 by 3, tan 37 होता है 3 by 4, tan 53 हो गया 4 by 3, minus g, g is 10, okay, x square,
डिवाइडेड बाई टू, 20 square इज 400 मल्टीप्लाई टू टू, ओके दैट्स 800, 20 square इज 400 मल्टीप्लाई टू टू, कॉस ऑफ 53 दैट इज 3/5, ओके देन देर इज अ स्क्वायर देयर, सो वाई विल बी 4x/3 माइनस, आई कैन से दिस इज 200, थोड़ा सा ये कैंसिलेशन कर लेते हैं, ठीक है, सारी कैंसिलेशन करने के बाद 3 square का 9, 5 square का 25 मल्टीप्लाई टू 10, 250, इट विल बी 5/144x², ओके दैट इज सिंपल, सो यू कैन से वाई इज इक्वल टू 4/3x माइनस 5x² / 144, ओके लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज सिंपल इक्वेशन, ओके यहां तक हमने खाली ट्राइजेक्ट्री वाली इक्वेशन अप्लाई की है और थोड़ा सा सॉल्व किया है, ठीक है, तो हमें एक्स और वाई, अब बताओ मुझे यहाँ पे देख लो, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन, यहाँ से जो स्टार्ट होती है, इस पॉइंट से जो स्टार्ट होती है इस पॉइंट तक, ठीक है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन है जो स्टेप्स वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, दिस लाइन इट इज एन एट एन एंगल ऑफ 45, तो इस लाइन का अगर मैं तुम लोगों को स्लोप बताऊं कि बेटा मुझे स्लोप बताओ इस लाइन का, स्लोप एम, तो यू विल से सर स्लोप इसका टेन 45 है, इसका स्लोप जो है दैट इज टेन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, अरे यार स्लोप क्या होता है, स्लोप इज टेन ऑफ थीटा, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर स्लोप इज टेन ऑफ थीटा, सो व्हाट आई एम सेइंग स्लोप इज टेन ऑफ 45 दैट इज 1, दैट इज एब्सोल्युटली 1, ओके स्लोप इज टेन 45 दैट्स 1, तो इसका स्लोप क्या है 45 दैट्स 1, ओके और सी कितना है, सी इज द इंटरसेप्ट, मतलब किस इंटरसेप्ट पे ये, किस एंगल पर ये इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है ना, इंटरसेप्ट आई कैन से यू कि अगर मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करता है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करता है किसी एक पॉइंट पे, दैट्स कॉल्ड एज, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट, ठीक है, देखो बेटा दिस वन इज बेसिकली अ क्वेश्चन फ्रॉम ओलंपियाड, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बनता है, देखो अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह से बनाएंगे ना, इस लाइन को ऐसे करके, ये वाली लाइन जो स्टेप्स को ज्वाइन कर रही है, ये वाली लाइन, सो इट विल टच हियर, हाँ कहाँ पर इसने टच किया, ठीक है, तो दिस इज ऑलमोस्ट 1 मीटर, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी ना, यहां से यहां तक 10 थी टोटल, 1 मीटर गया, तो अब बचा क्या 9 मीटर की डिस्टेंस, ओके सो दिस इंटरसेप्ट सी इज 9 माइनस 9 इस वाली डायरेक्शन में है, तो इट विल बी माइनस 9, ठीक है, सो इस लाइन की जो इक्वेशन है ना, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, हमें पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वाई इज इक्वल टू एम, एम मतलब स्लोप, स्लोप कितना है इसका, स्लोप है ना 10/45, वो तो हमने लिखा 1 है, 10/45 इंटू एक्स प्लस सी, तो वो कैन से वाई इज इक्वल टू 10/45 दैट्स 1 इंटू एक्स और सी है 9, तो वो कैन से वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 9, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, अब देखो इस, अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, आपने पहले ये वाली इक्वेशन लिखी इक्वेशन 1, अब आप इक्वेशन 2 लिख रहे हैं, बेटा इक्वेशन 1 किसकी इक्वेशन है, ये इस पाथ की इक्वेशन है जहां से बॉल चली है, इस वाले पाथ की इक्वेशन है ये, ट्राइजेक्ट्री की इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 1 इस वाले पाथ की इक्वेशन है, और इक्वेशन 2 किसकी इक्वेशन है, इस ग्रीन लाइन की इक्वेशन इक्वेशन 2 है, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये दोनों लाइंस कहां पे मिलती हैं, तो यू विल से सर यहां पे मिलती हैं, ठीक है ना, तो मतलब ये कौन सा पॉइंट है जहां पर ये मिलेंगी, यू विल से सर दिस पॉइंट इज बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, दिस पॉइंट इज बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2, वी नीड टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2, ठीक है, तो यू हैव टू सॉल्व, देखो आपके पास एक्स भी, आप वाई का वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है ना, चलो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है आपके लिए, विल सॉल्व टू सम एक्सटेंट, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, लेट्स गिव इट सम टाइम, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना,
थोड़ा सा, आप समझ गए ना, ये वाली जो पैराबोला वाली है, ये ना ये वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये कर्वड लाइन, इसकी इक्वेशन इक्वेशन वन है, ये वाली इक्वेशन, और ये जो लाइन यहाँ से जा रही है ब्लू लाइन स्ट्रेट वाली, इसकी इक्वेशन टू है, ठीक है। तो इन्हीं दो को हमें सॉल्व करना है, तभी पता चलेगा कि कहाँ पे बॉल हिट कर रही है, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ पे हिट करती है। ओके, सो सी क्या है, एक सेकेंड, लेट अस रब दीज अननेसेसरी थिंग्स। ओके, तो वी नीड टू सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू बेसिकली, सो वी कीप ओनली इक्वेशन वन एंड टू, नो मोर थिंग्स। ओके, सी हाउ वी आर सॉल्विंग इट। सो इक्वेशन वन वी हैव, सो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन टू से जो y का वैल्यू निकला उसको वन में रख देंगे, तो y की जगह आप रखो ये वैल्यू x माइनस नाइन, दैट इज 4 बाई 3 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर बाई 144। सो वी नीड टू डू लॉट ऑफ कैलकुलेशन हियर, सो इट विल बी x माइनस नाइन, दैट इज 4 इंटू 144 x माइनस 5 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 144। What I'm doing is मैं सिर्फ calculations कर रहा हूँ perform, ठीक है ना। तो मुझे बताओ 54 को multiply करेंगे 144 से, it will be 576, this will be 576x minus 5x square divided by 3 into 144, that is 432। so इसको यहाँ पे multiply कर लो 432x minus 432 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो दैट विल बी 3888, दैट इज 576x माइनस 5x स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, इस x वाले टर्म्स को एक साइड पे लेके जाएंगे। चलो पहले लिखते हैं ये 576x माइनस 5x स्क्वायर, इस वाले टर्म को वहां पे लेके जाओ माइनस 432x, इसको वहां पे लेके जाओ 3888 इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर solution till now, so it will be minus 5x square, ठीक है। 576 में से 576 में से 432 को बाहर निकालिए, तो it will be 144 minus 144x, ठीक है, मतलब इस वैल्यू और इस वैल्यू टर्म को, ठीक है ना। फिर बचेगा प्लस 3888, that is equal to 0। this is a quadratic equation, this is a quadratic equation, okay। So, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। वन इज यू गॉट द वैल्यू ऑफ x, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा x माइनस 9, ठीक है ना। तो करके देख लीजिए, दैट्स 12.3 मीटर, ठीक है ना। सो 12.3 मीटर, वी आर गेटिंग 12.3 मीटर, व्हिच दैट व्हाट दैट मींस, सी y, सो y इज ग्रेटर देन 12 but less than 13, okay। so आप देख लीजिए कि एक एक स्टेप की हाइट कितनी थी, एक एक स्टेप की हाइट 1 meter थी, if you remember, एक एक स्टेप जो ऐसे था ना, इसकी हाइट 1 meter थी, ठीक है, 1 meter। तो चूंकि ये क्या है, ये कौन सा स्टेप होगा, दिस विल बी 12 से ज्यादा और 13 से कम, विच मीन्स इन बिटवीन 12 एंड 13, विच मीन्स इन बिटवीन 12 एंड 13, विच मीन्स ऑलमोस्ट 12th स्टेप, ऑलमोस्ट 12th स्टेप पर ये बॉल हिट करेगा इसको, ठीक है। दिस इज सिंपल, ओके। सी बेसिकली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन फिजिक्स ओलंपियाड, so ये जो क्वेश्चन है ना, it is one of the most upper levels of projectile motion। ये projectile motion का आज तक का सबसे standard question देखा गया है, ठीक है। so don't worry, ये neat में नहीं आने वाला, but at least एक बार आप ऐसे questions को face करोगे तो it will be better for you guys, at least one time, that is good if you face these type of questions at least once, okay।
चले, वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉल इज फायर्ड एज शोन. वी हैव अ बॉल जिसको हमने थ्रो किया है, कि जैसे कि क्वेश्चन में देख के रखा है. तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की 10 है, यहाँ पे क्वेश्चन में देख के रखा है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है. थीटा यहाँ पे 37 है, ठीक है. अच्छा पूछा भी सिंपल चीज है, रेंज पूछा है, रेंज निकालो. चलो ये जो है ना अभी का क्वेश्चन जो दिया था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और ये उस पर छोटी सी सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है. तो मुझे बताओ यू एक्स एक्स एक्सिस से क्या वेलोसिटी होगी. दैट विल बी यू कॉस 37. सो हम देख रहे हैं वो दैट इज यू कॉस 37. यू इज 10, कॉस 37 जो है कॉस 37, कॉस 37 यू कैन से दैट्स 4/5. सिंपली 5 1 और 5 2 दैट्स 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. और वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज यू साइन 37. दैट इज यू इज 10, साइन 37 इज 3/5, 5 1 और 5 2 दैट्स 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो दोनों ही चीजें. सो रेंज आपको पता है, रेंज का मुझे बताना नहीं है. दैट इज यू ट्वाइस यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाय जी. तो दैट इज 2 टाइम्स यू एक्स इज 8, यू वाई इज 6 डिवाइडेड बाय 10. तो यू कैन कैलकुलेट दैट्स 9.6 मीटर पर मीटर. ओके सॉरी सॉरी, रेंज इज इन मीटर्स. ओके सो सिंपल तो है, कोई खास बात है नहीं इसमें, ठीक है. तो ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सिंपल था. नीट में बेसिकली इसी तरह के आते हैं, ठीक है. सो डोंट वरी, नीट कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम नहीं है, ठीक है. चले अब एक और क्वेश्चन निपटाया जा सकता है. थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है. देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा. देखो अ बॉल इज फायर्ड टुवर्ड्स द वॉल. एक बॉल को हमने एक वॉल की तरफ, एक दीवार की तरफ फेंका हुआ है, ठीक है. फाइंड द पोजिशन ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड. आपको बताना है कि बॉल की पोजिशन क्या होगी जब ये ग्राउंड को हिट करेगा. मतलब देखो आफ्टर अज्यूमिंग द इलास्टिक कोलिजन, ठीक है. x इक्वल टू 4 मीटर्स, देख कह रहा है कि पहले पार्ट में कह रहा है अगर यहां से यहां तक 4 मीटर की डिस्टेंस है और आपने बॉल को फेंका है. सी बेटा देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज. पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है ये बॉल यहां से जाए, दीवार को हिट करे और हिट करने के बाद वापस आ जाए, ठीक है. तो ये रहेगी पोजिशन ऑफ द बॉल, है ना. हो सकता है कि ये बॉल इस इतनी वेलोसिटी हो इसके पास कि ये बॉल इस दीवार को क्रॉस कर सके और इसके बिल्कुल ऊपर से जा सके ना, आई मीन टू से यहां से जा सके बिल्कुल ऊपर से, ठीक है, वापिस ही ना आए, ठीक. डिपेंड करता है इस x के वैल्यू पे, डिपेंड करता है इस x के वैल्यू पे. हमने x का वैल्यू क्या रखा है, सी व्हाट आई एम सेइंग कि अगर x जो है ना x के वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये बॉल क्या कर सकती है, इस दीवार के साथ टकरा सकती है और टकराने के बाद वापिस आ सकती है, ठीक है. ये पहली पॉसिबिलिटी है. दूसरी भी ये भी है कि सर ये इस पोल से इस ग्राउंड इस वॉल को क्रॉस करके दूसरी तरफ चली जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है. कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हैं, डिपेंड करता है एक्स पे, ठीक है. विल टेक दिस क्वेश्चन, ठीक है, और देखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है ना. चलो मुझे बोलो पहले, सारा खेल पता चल जाएगा रेंज से, ठीक है. सारा खेल आपको रेंज से पता चल जाएगा. पहला पार्ट ले लेते हैं. आर अगर हम निकालेंगे रेंज इसकी, तो रेंज मुझे बताओ इसकी रेंज कितनी निकलेगी. रेंज इफ यू कैलकुलेट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, तो यू विल से इट्स ट्वाइस यू एक्स यू वाई, ट्वाइस यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी. ओके, ये तो अभी वाला जो क्वेश्चन किया उसमें भी तो यही था ना, 10 मीटर पर सेकंड पे था, 37 पे था, उसमें भी यही क्वेश्चन था, ठीक है. और उसमें हमने रेंज जो है ना अभी निकाली भी थी. अब हम दोबारा से कहाँ कैलकुलेट करेंगे, 9.6 मीटर. सो रेंज इज 9.6, और यहाँ पे x कितना दिया गया है, x दिया गया है 4.8 मीटर. मतलब देखो बॉल टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, बॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है 9.6, लेकिन वॉल से कितनी डिस्टेंस है, वॉल से डिस्टेंस है खाली 4.8 मीटर का. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये बॉल इस वॉल को क्रॉस नहीं कर पाएगा. बल्कि कौन सी पॉसिबिलिटी रहेगी, पहली वाली पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये इस बॉल को हिट करे और हिट करने के बाद वापस आ जाए, ठीक है. हिट करे और हिट करने के बाद वापस आ जाए, ठीक. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर ये हिट करेगा, हिट करने के बाद वापस आएगा, तो कहाँ पे आएगी ये बॉल. देखो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी ये बॉल ट्रेवल कर सकती है, टोटल डिस्टेंस ये 9.6 मीटर कर सकती है. और कवर ये कितना करेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स उतना नहीं है ना, कवर ये करेगा 4.8 मीटर, ठीक है. तो जो डिस्टेंस बची ना वो कितनी डिस्टेंस बची, रिमेनिंग,
कितनी डिस्टेंस बची, 9.6 माइनस 4.8, तो वो बताओ कितनी है, 9.6 माइनस 4.8। ठीक है, समझ आई मेरी बात कि कितनी डिस्टेंस बचेगी जो ये कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट इज 9.6 माइनस 4.8, दैट्स 4.8। तो 4.8 मीटर की डिस्टेंस जो है ये बचेगी। मतलब देखो उसूलतन ये 9.6 कवर करना चाहिए, लेकिन दीवार खाली 4.8 मीटर ही दूर है, तो ये क्या करेगी ये बॉल बेचारी। ठीक है, 4.8 मीटर ही कवर करेगी। ठीक है, शाबाश, तो ये बॉल 4.8 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर सकेगी। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो रेंज है ना, रेंज उसका आधा ही एक्स है, एक्स इज द हाफ ऑफ रेंज, एक्स इज द हाफ ऑफ रेंज, एक्स यहाँ पे रेंज का आधा पार्ट ही है। ठीक है, ओके, सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि जब ये इसको हिट करेगा तो हिट करने के बाद ये वापस कितनी डिस्टेंस गिरेगा। ठीक है, दैट्स अवर क्वेश्चन, हिट करने के बाद कितना वापस गिरेगा।